हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम एंटर्स अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. इन द मीडियम इट्स वेवलेंथ इज डैश एंड द फ्रीक्वेंसी इज डैश. सो बच्चों, हियर अवर की कॉन्सेप्ट इज रिलेशन बिटवीन frequency, velocity and wavelength is given by, that is, v is equal to nu into lambda. Velocity is equal to frequency into wavelength, and refractive index n is equal to speed of light in vacuum, which is c, and speed of light in medium of refractive index n, that is v. बच्चों, क्वेश्चन में आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और वेवलेंथ गिवन है इन वैक्यूम 6000 एंगस्ट्रॉम. ये है वैक्यूम में. सो जो आपके पास n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इन मीडियम. सो वेलोसिटी ऑफ light in medium v is equal to c by n 3 into 10 raised to the power 8 by 1.5. so v aa gaya aapke paas 2 into 10 raised to the power 8 meter per second. ab agar hum baat kare frequency ka in vacuum, so in vacuum frequency would be nu c by lambda, so that is 3 into 10 raised to the power 8. Lambda is 6000 into 10 raised to the power minus 10. So this is equal to 5 into 10 raised to the power 14 hertz. Now frequency jo hai, it does not changes. Does not change with change in medium. So, आपको मीडियम के अंदर वेवलेंथ बताना है. लेट्स से लैम्डा डैश, तो वो हो जाएगा v बाय न्यू. v है आपके पास 2 इंटू 10 रेस टू द पावर 8 और फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10 रेस टू द पावर 14. तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगा 0.4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 6 मीडियम. तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10 रेस टू द पावर 14, वो चाहे आपका वैक्यूम हो या मीडियम, दोनों के ही केस में सेम रहेगा. और आपको निकालना था वेवलेंथ इन मीडियम, दैट इज 0.4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 6 मीटर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.